तो फ्रेंड्स मेरी खुद रही है प्याज, रुक जा। तो फ्रेंड्स मैंने बुलाए दूसरे जिलों से जो है कि प्याज की खुदाइयों को, तो एक है जो है पन्ना जिले का और एक जबलपुर जिले का, ठीक है ना। तो पहले पन्ना जिले वाले को दिखाना, इधर दिखाओ। ये है मेरी भांजी जिसको मैंने पन्ने जिले से खास बुलाया प्याज खोदने के लिए, और इस बार पूर्ण। और ये जबलपुर से मेरी मौसी की लड़की है, स्पेशल ये प्याज की खुदाइयों, प्याज खोद रही हूं, देखो। स्पेशल ये प्याज की खुदाइयों को बुलाया गया है अपने बारे में। जब आरती अपने बारे में राय देना, कैसी आरती के ऊपर कैमरा देना। हाँ बताओ आरती, कैसा फील हो रहा है प्याज खोद के? बहुत गर्मी लग रही है, ये प्याज मेरे को तीसी सी मिल रही है, कोई अच्छी प्याज नहीं है। फ्रेंड्स जो है कल हमारे परसों बारिश हुई है, तो प्याज जो है बहुत ज्यादा गीली है, ये देख सकते हैं ऐसे निकल रही है। तो गीली है, तो ये पहले इसको खुरपी से खोदते थे, बट इसको खुरपी से नहीं खोदते, ऐसे कटवाई आराम से, ठीक है। चलिए लाओ फोन मेरे को दो। कैसा फील हो रहा है प्याज खोद के? नहीं बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है, क्या कि यहाँ फ्रेंड्स गीला है और घास बहुत ज्यादा। ये देखिए प्याज नहीं दिख रही आपको, घास ही घास दिख रही होगी, पानी बारिश हो गई है तो चारा भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया और गीला है। तो पहले खुरपी से खोदती थी, अब जो खुरपी से खोदती थी, बट अभी उखड़ रही है आसानी के साथ प्याज। कविता कैसा फील हो रहा तुझे प्याज खोद के? आज पहला दिन है, ये आज एक दिन में थक गई। फील हो रहा बता प्याज खोद की? लेकिन आसानी से प्याज खुद रही है, काम आता भी है। ऐसा कविता तुझे कैसा फील हो रहा है? ये लोग बोल रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छा। अच्छा ये देखिए फ्रेंड्स, तीन लोग हैं, तीन जिलों से, एक अच्छा है, ये जबलपुर से हो गई आरती, और ये कविता सतना जिले से, और ये पन्ना जिले से, तीनों प्याज के स्पेशल खुदाइयों को बुला गया। मैडम तुम्हें कैसा फील हो रहा है फिर? नहीं मुझे बहुत मजा आ रही है, मौसी के पास प्याज खोद रही है। हाँ यार फ्रेंड्स जो है स्पेशली पहली बार प्याज खोद रही है ये ब्लैक ड्रेस वाले, ये तो कोई इसका तो गाँव का डेली का काम ही है। और बहुत मस्त हवा भी चल रही है आज जो है कि ज़्यादा धूप भी नहीं की हुई है और बारिश हुई कल परसों, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और ये रहा अपना कैमरामैन लल्ला, कैसा ए लल्ला अभी खोज प्याज, और ये बैठी है मम्मी खोद रही प्याज, पापा सभी लोग खोद रहे हैं प्याज। ये देखिए मैं थोड़ी सा दूर से जाता हूँ, पापा से पूछ लेता हूँ कैसा फील हो रहा, ठीक है। तो पापा कैसा फील हो रहा प्याज खोद के? बेकार। पापा कैसा फील हो रहा प्याज खोद के? बेकार है। पापा बोल रहे हैं प्याज वाज खोदना सब बेकार है। मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी कैसा फील हो रहा प्याज खोद के बताओ? बताओ भाई बताओ। बोल। कोई बोल ही नहीं पा रही। तो फ्रेंड्स बहुत तेज मस्त, बहुत वीआईपी बढ़िया वाली हवा चल रही है, ये देखिए एक नंबर का। अभी परसों और तूफान भी आया हुआ था, बहुत मस्त प्याज खोदने फील हो रहा है। ये देखिए सभी लोग प्याज खोद रहे हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादा प्याज भी नहीं लगी, हल्की सी प्याज लगी, लेकिन स्पेशल खुदाई है अपने पास। ये देखिए कैसे, देखिए 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 नीलम आएगी, नीलम पन्ना बेचारी आरती के मार दिया पसीना। जबलपुर में पावर गेट में रहती है बेचारी की, पसीना मार दिया है। लल्ला ठीक ठाक है तू? फर्स्ट टाइम में काम कर रही है, मजा बहुत है। चल तू यहीं रह दो चार दिन और, दो चार दिन और रहेगा हमें और काम करवाएंगे। नीलम को भी स्पेशल फील हो रहा है, नीलम के साल आए 10th में 84% फिर भी प्याज खोद रही है। आरती इस टाइम तेरा फाइनल है ना, स्पेशल पढ़े लिखे, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको बुलाया गया स्पेशल प्याज खोदने के लिए। लल्ला यही तरह कहीं पढ़ रही तू? अरे वहीं खड़ी रहना तू, कौन सी क्लास में पढ़ रही है? तो क्यों नहीं खोदी थी प्याज? फ्रेंड्स लगता है, मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो ये देखिए प्याज कैसे खोदते हैं। अच्छा नीलम प्याज खोदो, नीलम प्याज खोदो, उखाड़ो। ये देखिए प्याज, हाँ चारा बहुत ज़्यादा, घास बहुत ज़्यादा, तो दिख नहीं पा रही होगी, लेकिन ये देखिए मैं आपको एकदम पास से दिखा रहा हूँ प्याज कैसी लगी है। ये देखिए बड़ी बड़ी प्याज नहीं पड़ी तो कहाँ बड़ी बड़ी दिखाएं। ये देखिए प्याज गुंचू जैसे तो प्याज पड़ी हुई, चिरंगे जैसे, कंची जैसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्याज खुल गई है, ये डली हुई है प्याज। प्याज खोदने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा, अभी मैं भी खोदूंगा प्याज, फर्स्ट टाइम मेरा भी है, मैं भी कभी नहीं खोदता ये प्याज वाज, लेकिन बहुत मस्त मौसम है जिसकी वजह से मैं भी आज प्याज खोदूंगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है, सभी लोग हैं, भांजी लोग हैं, सिस्टर लोग, पापा मम्मी और सभी लोग। ये सभी लोग वीडियो बनाने के लिए आए थे, प्याज खोद भाग रहे हैं।
ऐसे प्याज ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो प्रेस बेल आइकन में दबा दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।